अरविंद केजरीवाल जी अब मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है अरविंद जी अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पूरे विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जिनकी पार्टी की दो राज्यों में सरकार बनी हो। अरविंद जी इज ओनली लीडर। अरविंद केजरीवाल जी का जो अब अगला टारगेट या निशाना है वो राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बनना है। अरविंद जी के फैसले से ऐसा लगता है कि जैसे वो देश के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जी को मैं बधाई देता हूँ, उनके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि जल्दी अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। अब ये उनका भाव है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अब मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है अरविंद जी अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक अकेले नेता हैं, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने दम पर देश में दो दो राज्यों में सरकार बनाई है। बाकी पूरे विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जिनकी पार्टी की दो राज्यों में सरकार बनी हो। अरविंद जी इज ओनली लीडर, ओनली पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री जिन्होंने अपने दम पर देश में दो राज्यों में सरकार बनाई है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो अब अगला टारगेट या निशाना है वो राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बनना है। ऐसा संभव है आप मानते हैं? देश की जनता फैसला करेगी, लेकिन अरविंद जी के फैसले से ऐसा लगता है कि जैसे वो देश के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। सही मायनों में आप क्या मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये हो सकता है देश के हित में? मुझे लगता है अभी 2029 में फिर चौथी बार मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि मुझे अगर भ्रष्टाचार करना होता तो मैं इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर नहीं आता, वहाँ करोड़ों कमा लेता। ये जो आरोप उन पर लगे हैं और जो जेल इनके नेताओं को भेजा, ये प्रधानमंत्री की साजिश है? नहीं, प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करते हैं, और मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वो केजरीवाल जी के प्रति पूरा न्याय करेगी। सर, प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जो वहाँ इंडियन बसते हैं और काफ़ी स्वागत भी हो रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं भारत को इससे कितना लाभ होगा? देखिए, हमने इतिहास में सम्राट चंद्रगुप्त का नाम सुना है, सम्राट विक्रमादित्य का नाम सुना है, सम्राट अशोक का नाम सुना है, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित करने का काम किया। सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, ये सब महान राजा हुए हैं, लेकिन जनतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा, जो जनता के दिलों पर राज करने वाला कोई सम्राट अगर है तो सम्राट विक्रमादित्य के बाद वो नरेंद्र मोदी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।